नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, समाचार पत्रों के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हुआ है। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश के समस्त कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक साथियों के लिए टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। जी हां साथियों, इसके लिए सभी शिक्षक साथियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की जो राशि है वह ट्रांसफर की जाएगी। समाचार पत्रों के माध्यम से यह खबर निकलकर सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि सरकार प्रत्येक शिक्षक के खाते में 10 हजार रुपए डालेगी। वहीं पर यह छूट प्रदान की जाएगी कि इन 10 हजार रुपए में कुछ अन्य रुपए मिलाकर शिक्षक साथी महंगा टैबलेट भी खरीद सकेंगे। यह जो टैबलेट रहेगा वह सरकार के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग से कनेक्ट रहेगा। यह 4 साल तक कनेक्ट रहेगा, उसके बाद यह पूरी तरह शिक्षक साथियों का हो जाएगा। ये जो टैबलेट प्रदान शिक्षक साथियों को किए जाएंगे, इससे राज्य सरकार पर 173 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आने वाला है। जी हां साथियों, आप सभी को मालूम ही है कि अभी कुछ समय पहले ही ऑनलाइन अटेंडेंस लागू की गई है। साथ ही साथ ऑनलाइन पठन पाठन का कार्य और महत्वपूर्ण प्रोग्राम इन टैबलेट के माध्यम से शिक्षक साथियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, यानी कि अब जो शिक्षक साथी है वह भी ऑनलाइन फ्रेंडली रहने वाले हैं। हालांकि शिक्षक साथी अधिकतर वर्क अपना ऑनलाइन कर ही रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने दीक्षा प्रशिक्षण हो मोबाइल के माध्यम से काफी सारा वर्क शिक्षक साथी ऑनलाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का एक अच्छा कदम है कि शिक्षक साथियों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे, जिससे कि शिक्षक साथी ऑनलाइन कार्य करने में दक्ष होंगे। ये काफी अच्छी खबर है और काफी महत्वपूर्ण अपडेट था, सोचा शिक्षक साथियों तक इसे रखा जाए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और ऐसी जानकारियां समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।